दोस्तों आईपीएल 2022 का सीजन आखिर उस मकाम पर पहुंच गया है जिसका कई दिनों से इंतजार हो रहा था। लीग स्टेज के मुकाबले खत्म होने से ठीक एक दिन पहले प्लेऑफ की तस्वीर आखिरकार साफ हो ही गई। अंतिम चार के बेहद करीब पहुंच चुकी दिल्ली कैपिटल्स को अपने आखिरी मैच में मुंबई इंडियंस से हार का सामना करना पड़ा और इस तरह उसने लगातार चौथे सीजन में प्लेऑफ में पहुंचने का मौका गंवा दिया। इसका फायदा मिला रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को जो प्लेऑफ में पहुंचने वाली चौथी टीम बनी। वही दिल्ली का नुकसान और बैंगलोर का फायदा करने वाली मुंबई ने जीत के बावजूद आईपीएल इतिहास में अपने सबसे खराब प्रदर्शन के साथ टूर्नामेंट में सफर पूरा किया। वही दोस्तों इस हार के साथ ही दिल्ली की टीम प्लेऑफ से बाहर हो गई और इसका गम पंत के चेहरे पर साफ दिखा। मैच के बाद वे फूट फूट कर रो पड़े, साथ ही इस मैच में अपनी हार भी पंत ने बताई। दोस्तों हार के बाद पंत क्या कहा ये तो आपको बताएंगे ही, लेकिन उससे पहले आप कमेंट करके उन दो टीमों के नाम बताएं जो आईपीएल 2022 का फाइनल मैच खेलेगी, तो अपनी राय जरूर बताएं। दोस्तों आपको बता दें इस रोमांचक मैच में दिल्ली ने पहले बल्लेबाजी करते हुए मुंबई को 159 रनों का टारगेट दिया था। जवाब में मुंबई की टीम ने आखिरी ओवर में इस टारगेट को हासिल कर लिया। मुंबई की जीत के हीरो टीम डेविड और ईशान किशन रहे, लेकिन दोस्तों एक समय ऐसा लग रहा था कि मुंबई यह मैच हार जाएगी। तब टीम डेविड ने 11 गेंदों में 34 रनों की पारी खेलकर टीम को जीत दिलाई। डेविड के अलावा ईशान किशन ने 48 रनों की सर्वाधिक पारी खेली, तो वही डिवॉल्स ब्रेसिव ने भी 37 रन बनाकर मैच को दिल्ली की से दूर ले गए। दोस्तों इस मैच में भले ही मुंबई इंडियंस की टीम जीती हो, लेकिन प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई आरसीबी की टीम कर गई। वही दोस्तों इस करो या मरो के मुकाबले में प्लेऑफ से बाहर हो जाने पर दिल्ली टीम के कप्तान ऋषभ पंत अपने आंसुओं को रोक नहीं पाए। दोस्तों पंत ने हार के बाद कहा, मुझे बेहद ही दुख है कि मैं अपनी टीम को प्लेऑफ में नहीं पहुंचा पाया और इस हार की सबसे बड़ी वजह मैं खुद हूं। दोस्तों पंत ने आगे बयान देते हुए कहा, हमारी टीम ने इस मुकाबले में बेहद ही शानदार प्रदर्शन किया, लेकिन मेरे गलत फैसले की वजह से मेरी पूरी टीम और स्टाफ को इसकी कीमत चुकानी पड़ रही है। मैंने मुकाबले के अहम मौके पर डेविस का आसान सा कैच छोड़कर बेहद ही बड़ी गलती कर दी, साथ ही साथ मैंने टीम डेविड के आउट होने पर रिव्यू नहीं लिया और मेरी इसी गलती की वजह से आज हमें प्लेऑफ की रेस से बाहर होना पड़ा है। मैं इस गलती को कभी भी नहीं भूल सकता, जो हमेशा मेरे लिए बुरे सपने की तरह रहेगा। तो दोस्तों आपको क्या लगता है दिल्ली की टीम किस वजह से यह मुकाबला हारी, कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।